Just give me a second, please. Haji. Ah, the universe is not punishing or blessing you. The universe is only responding to the vibrational attitude that you are emitting. What if every word you said were a wish to the universe? Would you still say the same things that you did yesterday? Your thoughts and words echo throughout the universe. Make sure to only put out ones that you want back. This is exactly in line with what we were talking about yesterday. Kalam Nidekha Ke thoughts. जो सारा दिन हम क्रिएट करते हैं ये एक ही चीज़ है जो हम सारा दिन क्रिएट कर रहे हैं ये कभी भी नहीं रुकती रात को भी नहीं बंद होती कम हो सकती हैं लेकिन बंद नहीं होती हैं एंड विच मींस एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ आई एम क्रिएटिंग थाट्स एवरी सेकेंड दिस लिविंग बींग जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं सोल कहते हैं स्पिरिट कहते हैं ये हर क्षण सोच रहे हैं सिर्फ शरीर लेने के बाद नहीं शरीर छोड़ती है तब भी आत्मा सोचती है आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो भी सोचती है फिर बच्चा पैदा होता है तब से सोचता है तब मन आत्मा है ना आत्मा है मतलब सोच है, अब वो, है के बाद सोचती? सी इट्स एनर्जी आत्मा यहाँ बैठी है सोच रही है मतलब एक एक थॉट क्रिएट हो रही है अब वो यहाँ बैठने के बजाय अगर यहाँ से निकल कर यहाँ बैठे है सोचने का काम तो उसका चल रहा है शरीर में आने से क्या होता है जो थॉट वो क्रिएट करती है उसको वो इस शरीर के थ्रू एक्सप्रेस कर सकती है जब आत्मा शरीर छोड़ती है थॉट फिर भी क्रिएट करती है एक्सप्रेस नहीं कर सकती है एक छोटा बच्चा है थॉट क्रिएट करता है एक्सप्रेस नहीं कर सकता है कोमा में कोमा में है थॉट क्रिएट कर सकते हैं एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं बोल नहीं सकते हैं उसको कर नहीं सकते हैं थॉट क्रिएट कर सकते हैं इसीलिए अगर जैसे सो ब्यूटिफुल कोमा में है तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या वो हमें सुन सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारी हर बात सुन सकते हैं हमारी हर थॉट कैच कर सकते हैं तो इसीलिए अगर कोई इस तरह से बीमार है उनके पास बैठकर हम जो बोलेंगे और बहुत अच्छी प्यारी बातें अगर हम उनसे करें क्योंकि आत्मा जब एक्सप्रेस नहीं कर सकती तो इट्स लाइक अ पनिशमेंट यू नो यू वांट टू से समथिंग बट यू कांट से इट यू वांट टू डू समथिंग यू कांट डू इट सो इट्स लाइक सपने में भी होता है हाँ। इसी तरह जब आत्मा माँ के होती है बोल नहीं सकती छोटा बच्चा होता है अपनी बात नहीं बता सकता है सिर्फ रो सकता है भूख लगी तो भी रोएगा पेट दर्द हो रहा है तो भी रोएगा तो भी, तो भी रोएगा बिकॉज इट जस्ट कान डू इट एनी अदर वे सो दिस इज सफरिंग क्योंकि वो रोता ही जाता है हर बात hmm. के लिए रोता ही जाता है दिस इज सफरिंग क्योंकि बोलना चाहता है बताना चाहता है बता नहीं सकता क्योंकि अभी तक फिजिकल कॉस्ट्यूम रेडी नहीं है बताने के लिए इसी तरह जब कोमा में है तो आत्मा का ब्रेन से जो कनेक्शन होता है hmm. सी आत्मा थॉट क्रिएट करती है सिग्नल ब्रेन को भेजती है फिर ब्रेन उसको बॉडी के थ्रू मैनिफेस्ट करके बाहर ले आता है कोमा में सिर्फ इतना सा होगा बॉडी भी है वहां ब्रेन भी है सब ठीक है लेकिन आत्मा का ब्रेन से जो एक कनेक्शन है ऐसे डिस्कनेक्ट हो गया वो एक तार जिसको बोलेंगे ना जैसे डिस्कनेक्ट हो गई तो लिंक टूट गया तो सोच रही है सुन रही है फील कर रही है सिर्फ उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकती ब्रेन को और फिर ब्रेन बॉडी के थ्रू उसको करा नहीं सकता तो इट इज सो पावरफुल कि हर क्षण आत्मा सोच रही है एंड जो चीज हम हर क्षण कर रहे हैं उसी के बारे में हम अवेयर नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं क्या फील कर रहे हैं तो ये अवेयरनेस हमें नहीं थी कि हमें अवेयर होना है। होना है और इसी तरह जैसे आपने कहा जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी सोच रही है वाइब्रेशंस रेडिएट भी कर रही है हम जो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं उस आत्मा के लिए जिसने शरीर छोड़ा है उसको भी कैच कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस आत्मा के प्रति जिसने शरीर छोड़ा है हम कैसी थॉट क्रिएट करते हैं कितने भजन करते हैं पूजा करते हैं उस समय पे भगवान का नाम लेते हैं भजन करते हैं पूजा भी करते हैं लेकिन बहुत रोते भी है भजन तो कर रहे हैं लेकिन बहुत रोते हैं। रोते भी हैं, लेकिन साथ साथ क्या बोलते हैं और सोचते हैं? कैसे चले गए ऐसे मेरा क्या होगा अभी आपके बिना आपको वापस आना ही पड़ेगा मुझे तो जीना ही नहीं है आपके बिना एक एक थॉट ये हमें विजुअलाइज करना होगा कि इट फील्स कि हाउ फील्स हम यहां से निकले हम एक दूसरी जगह पर हैं और हमारा परिवार कंटिन्यूसली इस तरह के मैसेज भेज रहा है छुट्टी पे या बिजनेस के लिए अमेरिका गया हाँ और पीछे से आप बोल रहे हैं आपने सोचा भी नहीं कैसे चले गए हम काम कैसे करेंगे घर कैसे चलेगा बिजनेस कैसे चलेगा आप वहाँ क्यों चले गए जल्दी वापस आ जाओ और वो भी कॉन्स्टेंट ऐसा नहीं दिन में एक बार ऐसा मैसेज आ जाए आपके आप नहीं हाँ। दुख से रोते हुए दर्द कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कांस्टेंट भी है तो खुशी से आ, नहीं खुशी से नहीं ना हाँ दर्द के और वो भी एक व्यक्ति से नहीं परिवार के कई लोगों से तो ये आत्मा जिसने शरीर छोड़ा उसके लिए कितना सफोकेटिंग होगा अब आप तो अमेरिका गए तो वापस आना हो तो आ तो सकते हैं ना फोन पर बात कर सकते हैं तो इट्स नॉट दैट सफोकेटिंग उतना सफोकेशन नहीं है फिर भी परेशान होंगे ना वहाँ कॉन्स्टेंटली ऐसे मैसेजेस मिले अगर दिन में कोई दो ईमेल भी भेज दे ऐसे या दिन में एक बार फोन करके भी रोज़ ऐसा बोल दे तो भी कितना परेशानी होगी और यहाँ तो आत्मा शरीर छोड़ के गई है वापस आ नहीं सकती बोल नहीं सकती कुछ कर नहीं सकती और उसको कॉन्स्टेंट और पूरे परिवार से ऐसे मैसेज मिले तो कैसी फीलिंग क्रिएट होगी तो ये हमें सारा दिन इस डायनामिक्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चा गर्भ में है तो भी थॉट्स कैच कर रहा है बोल सुन रहा है बता नहीं सकता अटेंशन रखे हम उस बच्चे के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं द सोल इज कैचिंग एंड थिंकिंग एंड फीलिंग नॉट ओनली जस्ट कैचिंग पुरानी कहानियों में थे गर्भ में इसने ये सीख लिया yes. बाप ने ये सुनाया तो गर्भ ने में इसने ये सुन लिया Absolutely. वो सीख Absolutely. लिया नो सो इट्स नॉट ओनली जस्ट कैचिंग बट इट्स ऑल्सो थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट दैट नहीं है hmm. मैं इसको कैसे बड़ा करूंगी कैसे पालूंगी हमारे पास तो घर में एक ही कमरा है दो कमरे भी नहीं है पता नहीं लड़की है लड़का लड़की है? है या लड़की लड़का है शादी तो कैसे करेंगे लड़का हुआ तो ये होगा अच्छा लड़की है तो मेरा परिवार ही मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरी तो ऑलरेडी दो बेटिया है अब ये आत्मा गर्भ में ये सब कैच भी कर रही है मतलब सुन भी रही है लेकिन सुनने के बाद उसके बारे में सोच भी रही है फील कर रही है टाइप की आ, आती लेकिन कॉन्स्टेंटली थिंकिंग बोझ बन के तो नहीं आ रहा हूँ सो दिस वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हर आत्मा वो मन है जो हर क्षण oh. सोच रहा है और जो आपने अभी पढ़कर सुनाया जो हम सोच रहे हैं वो रेडिएट हो रहा है और जो रेडिएट हो रहा है वही हमारा भाग्य है क्योंकि वही एनर्जी वापस आएगी जब वो बच्चा माँ के गर्भ में तब से वो अपना भाग्य क्रिएट कर रहा है ना hmm. क्योंकि वो सोच रहा है तो उसको हमें कैसा मटेरियल देना चाहिए सोचने के लिए ताकि उसकी सोच अच्छी हो हम इस बात पर तो ध्यान रख लेते हैं कि बच्चा किस दिन पैदा होना चाहिए किस पल पैदा होना चाहिए पैदा होते ही उसकी जन्म पत्री होनी चाहिए किस अक्षर से उसका नाम होना चाहिए कैसा पूजा होनी चाहिए जब बच्चा पैदा हुआ नामकरण है तो कैसे पूजा होनी चाहिए क्यों हम ये सब कर रहे हैं ताकि उस बच्चे के लिए सब कुछ शुभ होना चाहिए उसका भाग्य श्रेष्ठ होना चाहिए लेकिन उसका भाग्य सिर्फ ये बाहर की चीज़ों से तो उसका भाग्य तो उस क्षण बनना शुरू हो गया जब वो आत्मा आपकी सोच कैच करके अपनी सोच क्रिएट करने शुरू कर दे। अगर हमने उस आत्मा को किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट्स दे रहे थे अच्छा चलो उस बच्चे के प्रति नहीं भी क्रिएट कर रहे थे हमारी जो लाइफ है अगर उसमें टेंशन है एंगजाइटी है सपोज उस बच्चे के पेरेंट्स ही झगड़ा कर रहे हैं अगर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा भी हो रहा है तो वो आत्मा पहले से ही नहीं कैच कर रही कि ये जो दो लोग जिनके पास मैं जा रही हूँ ये तो ऑलरेडी कितना झगड़ा करते हैं। अगर इतना कोई मजबूरी से पैदा हुआ हो बच्चा और बड़ा हो के उसकी जो हरकतें कुछ आपको अच्छी नहीं लगे तो उसके ऊपर हम उसको दोष कैसे देस आपने yes, दूसरे पॉइंट से सोच रहा था yes, अगर हमने कह दिया स्ट्रेस नेचुरल है गुस्सा नेचुरल है तो उस घर में जहाँ वो आत्मा ऑलरेडी आ चुके है और वो थॉट्स को कैच कर रहे हैं और जिस क्वालिटी की थॉट्स को कैच कर रहे हैं उस क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट कर रहे है और जो थॉट्स क्रिएट कर रहे है वो उसका भाग्य अभी लिख रहे है सो द पेरेंट्स द इन लॉज मतलब जितने भी लोग आसपास उस बच्चे के उस आत्मा के हैं नीड टू रिमेंबर कि अगर वो चाहते हैं क्योंकि इंटेंशन बहुत अच्छी है ना कि ये जो हमारे घर बच्चा आया है इसका भाग्य बहुत अच्छा होना चाहिए अगर चाहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा हो तो उसके लिए उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए अगर चाहते हैं कि उसकी सोच अच्छी हो तो उसको उस समय से ही अच्छी वाइब्रेशन अच्छी सोच देनी होगी और फिर जैसे ही बच्चा पैदा हो और थोड़ा बड़ा हो उसको सही सोचना सिखाना होगा अगर सही सोचना नहीं सिखाया तो फिर सही समय सही दिन सही अक्षर का नाम ये सब चीजें भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो दिस दिस टू लाइन्स आर सो पावरफुल द यूनिवर्स इज नीदर ब्लेसिंग यू नॉर कर्सिंग यू हम कह देंगे ऐसे समय पे पैदा हो गया मतलब यू आर ब्लेमिंग द यूनिवर्स नॉट इवन पनिशिंग यू इट इज नॉट ब्लेसिंग यू सी इट्स नॉट इवन सी इट नॉट पनिशिंग यूंग इट नॉट ब्लेसिंग यू ऑल्सो हम अच्छा अगर कहे ना कि नहीं पनिश नहीं करती प्रकृति या परमात्मा पनिश नहीं करता लेकिन ये कहता है ना पनिश करता है ना ब्लेस करता है यू आर ओनली गेटिंग दैट रेडिएटिंग आउट तो सारी पावर किसके हम, पास है मतलब जैसे जो परफ्यूम हम लगाते हैं उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है उसकी खुशबू सबसे पहले किसको मिलती है मुझे दिस इज इट तो मतलब ये वो जो रेड उसी प्रकार ये है। yes, हर सोच मेरी हर सोच सारा दिन जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो पहले मुझे मिलती है फिर मुझसे रेडिएट होती है रेडिएट होके वो वापस मेरे पास आती है कर्म और भाग्य जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा ये तो मालूम है कि वो रेडिएट हो रहा है रेडिएट होके वो वापस आ रहा है जब रेडिएट हो रहा है कर्म वापस आ रहा है भाग्य सिर्फ ये हुआ कि जब हमने अपने कर्म को चेक किया तो हमने सोचा जो हम करते हैं वो कर्म है जो हम बोलते हैं वो कर्म है लेकिन स्पिरिचुअलिटी गहरा सिखाती है जो हम सोचते हैं वो पहला कर्म है मेरे ये समझ में नहीं आया कि अभी सोच को कैसे सोचे या फिर चेंज कैसे करें या बदलें कैसे क्योंकि मुझे अभी भी सोचने के बाद खाते समय कभी कोई बिल्कुल फा, फालतू सी थॉट आ जाती है तो मेरा खाने का फिर तो क्या हुआ आप खाना रोक दे नहीं मैंने सॉरी मेरा ध्यान कहीं और चला गया था ये तो सोच इतनी देर देर बाद पता चलेगा कि मैं सोच रहा हूँ तो मैं करूँ क्या इसमें भी इसकी भी फिर टेंशन हो जाएगी मुझे हमारी थॉट्स की क्वालिटी अब हमें थॉट्स को चेंज करना है ना एक तो टू मेनी थॉट्स एंड क्वालिटी ऑफ था तो अगर मुझे अपनी थाट्स की क्वालिटी को चेंज करना है तो फिर मुझे एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा कि मेरी थाट्स किस किस की वजह से क्रिएट होती है क्रिएटर तो मैं हूँ लेकिन उस क्रिएशन का भी रॉ मटेरियल क्या है For ये example, बहुत है। जैसे फिजिकल एनर्जी है हमें आज पता चल रहा है कि मैं फिजिकली स्ट्रांग हूं या वीक हूं एनर्जी है या नहीं परिस्थिति मतलब मौसम को फेस करने की मेरे अंदर ताकत है या नहीं लेकिन ये एनर्जी क्रिएट किस बेसिस पे हुई मेरा रॉ मटेरियल जो इस बॉडी को दिया जा रहा है डाइट एंड एक्सरसाइज तो अगर मुझे इस एनर्जी को चेंज करना है मैं बार बार सिर्फ बोल नहीं सकती ना शरीर कमजोर है शरीर कमजोर है क्या करूँ शरीर कमजोर है शरीर कमजोर है तो उसको स्ट्रांग बनाओ तो देन आई विल आस्क समबडी अच्छा स्ट्रांग बनाओ तो क्या करो तो बोलेगा ये डाइट ये एक्सरसाइज ये विटामिन सनलाइट वाटर पांच छः इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे आप ये 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 करो शरीर ठीक शरीर ठीक एनर्जी ठीक एनर्जी ठीक चीजों को फेस कर लेंगे मौसम बदलेगा गलत खाना आप खाएंगे कुछ होगा यू विल मैनेज यू विल क्रॉस एवरीथिंग अब मन कमजोर है कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है छोटी छोटी बात में बीमार हो जाता है hmm. स्ट्रोंग करना है कैसे स्ट्रोंग करो रॉ मटेरियल को चेक करो क्या रॉ मटेरियल जा रहा है इसके अंदर तो थॉट्स जो हमारी हैं उसकी जो क्रिएशन है उसके लिए तीन रॉ मटेरियल है hmm. रॉ मटेरियल मीन्स थ्री फैक्टर्स जिसके बेसिस पे थॉट्स क्रिएट होती है सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो हम सारा दिन पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं सब कुछ जो ऐसे जा रहा है एनी चलते चलते क्या पढ़ा सुबह अखबार में क्या पढ़ा टीवी पर क्या पढ़ा क्या सुना कैसी मूवी देखी कैसे गाने सुने किन लोगों से आज बात की कैसी बातें सुनी एवरीथिंग जो आई टेक इन इन टेक यू नो इन टेक ऑफ द बॉडी इनटेक सोल तो ये जो इनटेक जाएगी ये स्टोर हो जाएगी जाकर जिसको हम कहेंगे मेमोरी मेमोरी में स्टोर जो क्वालिटी की इनटेक हो गई की तरह है हाँ आपके पास कितनी मेमोरीज है आपके पास जैसे आपने लास्ट टाइम कहा दस साल पहले मुझे किसी ने शादी पे नहीं बुलाया हुँ. तो वो मुझे याद है ना तो वो कहाँ स्टोर हुआ हुआ है मेमोरी में तो वो सारा स्टोर होता जाएगा अब जो स्टोर होता जाएगा स्टिमुलस आएगा मतलब परिस्थिति आएगी जब परिस्थिति आएगी वो उस मेमोरी बैंक को ट्रिगर करेगी जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी उस क्वालिटी की ही थॉट क्रिएट होगी ये डेफिनेट है इसके साथ तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है आप जो स्टोर करेंगे परिस्थिति आएगी जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर की होगी परिस्थिति उसको ट्रिगर करेगी और उस क्वालिटी की थॉट क्रिएट होती जाएगी अगर हम सारा दिन में आज क्यों इतना बोला जाता है कि बच्चे वायलेंट ज़्यादा हो रहे हैं ना अग्रेसिव ज़्यादा हो रहे हैं तो इमिजिएटली ये कहते हैं आज वो वायलेंट कार्टून्स देख रहे हैं पहले हम बहुत सिंपल क्यूट सी कार्टून देखते थे आज कार्टून भी वायलेंट हो गई है आज जो वीडियो गेम खेलते हैं उसमें भी वायलेंस है आज टीवी वो देखते हैं जो हम नहीं देखते थे जब हम छोटे बच्चे थे उसमें भी वायलेंस है तो ये जो सब वो देख रहे हैं सुन रहे हैं अब वो उनके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है क्यों इन्फॉर्मेशन थॉट्स थॉट्स फीलिंग्स एटीट्यूड हैबिट एक्शन पर्सनैलिटी सो इन्फॉर्मेशन पर्सनैलिटी बन गई वायलेंट इन्फॉर्मेशन ली वायलेंट पर्सनैलिटी बन गई एक सवाल था खाना शरीर के लिए मैंने आज अच्छा अच्छा खाना शुरू कर दिया बीमार होने के बाद डॉक्टर ने बोला भी आप फल खाओ फ्रूट खाओ अच्छे थोड़ी सब्जियां हरी हरी खाओ थोड़ा एक्सरसाइज करो योगा करो लेकिन पहले उससे पहले मैं जंक फूड या नशे वाली चीजें सब तो तब बॉडी तब की अब की फर्क इसी तरह जो खाना हमने माइंड को पहले दिया हुआ था आपने जैसे कहा दस साल पहले वाली बात उसको फिर मैं अब नया वाला कैसे करूं आज जो खाना थॉट को दूंगा हाँ वो इंपॉर्टेंट है या पुराने वाले को मैं कैसे डिलीट करूं जैसे शरीर भी पुराने वाले खाने से बना हुआ ना हम्म अगर जो हमने 30 इयर्स खाया वो शरीर के अंग-अंग में है ना तो ब्लड में मसल्स में बोन्स में मैंने दूध ही नहीं पिया बचपन से तो हड्डी तो कमजोर है अब वो बना हुआ है लेकिन अब जैसे ही नया डाइट देना शुरू करेंगे धीरे-धीरे बॉडी का स्ट्रक्चर उससे चेंज हो जाएगा सेम विद द माइंड अगर वो स्टोरेज बैंक है जैसे और वहां बहुत कुछ स्टोर्ड है अब हम वो स्टोर्ड को निकाल नहीं सकते तो वी कैन रिमूव इट तो स्टोर्ड है तो हमें क्या करना है सिर्फ डालते, डालते जाना है डालते जाना है डालते जाना है जितना ये डलता जाएगा क्योंकि स्पेस तो ही है ना फिर आपके इट्स लाइक अ बोल आपने एक कटोरा लिया जिसमें गंदा पानी है अब अलाउड नहीं है गटोरे को टेढ़ा करके खाली नहीं कर सकते तो एक ही ऑप्शन है ना दूध डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ एक बूंद दूध भी अगर जाएगा तो एक बूंद गंदा पानी स्पिल ऑफ हो जाएगा एक बूंद भी अगर जाएगा एक बूंद स्पिल ऑफ हो जाएगा भरते जाओगे भरते जाओगे दूध की मात्रा बढ़ती जाएगी पुराने गंदा पानी कम होता जाएगा एक दिन आएगा बर्तन पूरा दूध से भरा हुआ होगा आज जो बच्चे वायलेंट मूवीज या वायलेंट वीडियो गेम्स खेल रहे हैं आज बंद करा दो एंड उसको सब्सिट्यूट कर दो कोई बहुत ऐसे जैसे पहले मॉरल स्टोरीज जकार्ता तेल्स ये वो ऐसी कहानियां हमें सुनाएंगे ना आज वायलेंट है तो जो कहानियां सुनकर पढ़कर, जिस तरह की कॉमिक्स पढ़कर हम बड़े हुए वो यहाँ है हम लोग बचपन में कैसी कैसी कहानी सुनते थे वाल्मीकि जी की और श्रवण कुमार अपने माता पिता का कैसे ख्याल रखता था ऑल yes, थिंग्स you know, yes, yes, अभी तो कुछ और ही हो गया तो so, अभी क्या देख रहे हैं वो आज उनके पास टेलीविजन है हमारे पास नहीं था आज उनके पास ट्वेंटी फोर बाय सेवन इंटरनेट है हमारे पास नहीं था फॉर्चुनेट एक्चुअली फॉर्चुनेट कि इतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं था एंड इन्फॉर्मेशन होना प्रॉब्लम नहीं है क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अब आज अगर बच्चा पेरेंट के साथ बैठकर न्यूज देख रहा है तो वो क्या न्यूज देख रहा है यहां वायलेंस यहाँ डेथ यहां अटैक यहां गलत 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 हर आधे घंटे की न्यूज में उसने एक एक विजुअल क्या देख लिया तो थॉट क्या क्रिएट हुई दुनिया ऐसी है ये दुनिया ऐसी है और फिर विजुअल देखा फिर उसके बाद उसकी पूरी फैमिली ने बैठकर उसको डिस्कस भी किया नाश्ते की टेबल से ही शुरू हो जाता है आज के पेपर में क्या हुआ इन्फॉर्मेशन कौन सी जा रही है कल यहीं पे जहां हम शूट कर रहे हैं कुछ बच्चे आए थे बिजनेस स्कूल से पांच लड़के थे तो मैंने कहा आप बिजनेस स्कूल से पास होकर क्या करने वाले हैं बिजनेस करने वाले हैं आई सेट गिव मी वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड बिजनेस करने के लिए कौन सी चीज आप याद रखेंगे एक चीज कौन सी पक्की करते हैं तो एक ने कहा बी ऑनेस्ट विद योर बिजनेस डेंट मैटर हाउ यू आर विद अदर पीपल तो आई सेड इसका क्या मतलब है तो कहा अपने काम के साथ काम के प्रति पूरी मतलब वफादारी ऑनेस्टी उसके लिए शायद चाहे आपको आसपास के लोगों के साथ कुछ भी करना पड़े बोला ये किसने सिखाया कि आसपास के साथ आप कुछ भी करो मतलब अपने काम में आपको ऑनेस्टी चाहिए कहते दुनिया में यही है आज बोला ये किसने सिखाया मम्मी पापा ने बोला आपको कहते नहीं हम सारा दिन नहीं देख रहे क्या दुनिया में क्या है यही चलता है ये कहां सीखा be honest with your business इसका मतलब है be dishonest with the world he said irrespective of what you have to do with anybody हां तो यही तो मीनिंग हो गया कि be dishonest with the world अपनी बिजनेस के साथ आप ऑनेस्ट रहो मतलब आपको अपने प्रॉफिट पर अपने काम पर फुल अटेंशन डजेंट मैटर आपको एंड सेंटेंस कितना अच्छा बनाया था उसको ऐसे रहा कि मम्मी पापा ने तो नहीं सिखाया ये कहते नहीं वो तो सिखाते हैं कि सबको सुख दो तो। मैं कहता तो मम्मी पापा तो अच्छी बात सिखा रहे हैं सबको सुख दो तो। लेकिन सारा दिन सारा दिन इंफॉर्मेशन विजुअल ऑडियो इंटरनेट टीवी दोस्त तो वो एक मम्मी पापा भी कितना सिखाए फिर सो इन्फॉर्मेशन का कितना बड़ा रोल है आज सुबह उठेंगे म्यूजिक बलना शुरू हो जाएगा टीवी न्यूज मेजोरिटी हाउसेज बिगिनिंग द डे मॉर्निंग डे सिक्स ओ क्लॉक मॉर्निंग टीवी न्यूज मतलब एंड ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सारी सुबह छह बजे आने वाली है वर्ल्ड बड़ा अच्छा है ब्रेकिंग किस चीज को ब्रेक कर ब्रेक्स लॉट ऑफ अस इट कंप्लीटली बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग आई एम गोइंग लाइक दिस सुबह का समय मन एकदम फ्रेश होता है मनोवैज्ञानिक साइकाइट्रिस्ट बताते हैं कि मन की जो अब्जॉर्बन पावर है वो सुबह के दो ढाई घंटे है वेरी हाई आप देखो हमें तो बचपन में सिखाते थे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए आज तो वो भी ऑपोजिट हो गया है रात को पढ़ते हैं कॉफी पी के मास्क कॉफी रख देती है स्ट्रॉन्ग था बच्चे को पूरी रात पढ़ो बच्चे पर हमें तो सिखाया जाता था एंड जिसका हमें बेनिफिट हुआ है कि अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ना है मन फ्रेश जिस चीज जो किताब लेकर बैठोगे वो ऐसे अंदर समझ आती जाएगी फिट होती जाएगी बिकॉज क्लीन ब्लॉटिंग पेपर है कई रिलिजन में ऐसा ही है ना सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करना सभी जगह है ना क्योंकि साइंस ने ये प्रूफ किया है कि जो सुबह का समय है चार बजे का तीन से पांच छह बजे का ये जो समय है वातावरण यस अमृत वेला, वेला गुरादा वेला, शब्द कितने सुंदर है बिकॉज इट्स द हाईएस्ट एनर्जी टाइम ऑफ द डे हाईएस्ट एनर्जी टाइम एंड उस समय जो वातावरण में हाइएस्ट एनर्जी है यहाँ की क्रिएटिविटी हाइएस्ट है उस समय अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है Hmm. जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है यू you नो know, पता ही नहीं चल रही है गेट अप एट फोर ओ क्लॉक अप एट फोर ओ क्लॉक जस्ट एक्सपेरिमेंट टू रीजन मेजोरिटी पीपल आर स्लीपिंग एट दैट टाइम सो जब मेजोरिटी लोग सो रहे होते हैं मतलब मेजोरिटी जो एनर्जी है मन की एनर्जी जो आज काफी तनाव और गुस्से वो वाली क्वालिटी की है वो सब थोड़ी साइलेंट है Hmm. ये वो टाइम है आज लोग एक दो तीन बजे तक भी जाग रहे हैं चार बजे तक आते आते मेजोरिटी लोग सोने जाते हैं चार बजे जो लेट सोते हैं वो भी अभी सोए हैं जो तो थोड़ा जल्दी सो के पांच छह बजे उठते हैं वो भी सोए हैं फोर ओ क्लॉक इज द टाइम वेन मेजोरिटी पीपल आर स्लीपिंग बोथ द साइड्स आर स्लीपिंग उस टाइम आप उठ जाइए फ्रेश होकर आप साइलेंस में बैठ जाइए कुछ नहीं इवन इफ यू आर नॉट प्रेइंग नॉट मेडिटेटिंग नथिंग जस्ट इट एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द सल्यूशन यू विल गेट इट क्योंकि वो हाइएस्ट एनर्जी टाइम है हाइस्ट एनर्जी इवन ऑफ यू जो इंट्यूशन हम कहते हैं इंट्यूशन को एक्टिवेट करना है इंट्यूशन तब एक्टिवेट होगी जब ऊपर की लेयर ऑफ थॉट्स साइलेंट होंगी ना मेरी सारा दिन की बातें प्रॉब्लम्स की बातें गुस्सा ये साइलेंट होगा तो जो इंट्यूशन है कि अंदर वाला जो मेरा ट्यूटर बैठा है वो अंदर वाला टीचर जिससे मुझे सल्यूशन चाहिए वो उस टाइम ईजी हो जाता है क्योंकि मेरा भी कॉन्शियस माइंड साइलेंट है आसपास भी वातावरण में कॉन्शियस माइंड साइलेंट है प्रकृति हाईएस्ट एनर्जी पर है ये समय पर हम जब उठे हमारा माइंड हाई एनर्जी पर है अब ये समय पर हम जो पढ़ें भी अगर स्टूडेंट्स हैं बेस्ट टाइम टू स्टडी फोर टू सेवन

फर्टाइल लैंड जब होती है समय अच्छा होता है मौसम अच्छा होता है ऐसे समय पे बीज डाल देना चाहिए hmm. जब कौन, अभी कैसे है ये टाइम पे कॉन्शियस माइंड अवेक है तो जो बीज हम डालते हैं वो अंदर नहीं जाता है सी, एक है कॉन्शियस माइंड मतलब hmm. रोज की थॉट्स ऊपर की लेयर एक है सब कॉन्शियस माइंड मतलब डीप लेयर ऑफ थॉट्स अब हम जो थॉट क्रिएट करते हैं ना मुझे ये करना है मुझे करना है ये ऊपर जैसे धरती पे बस ऊपर आती है और बीच खत्म हो जाता है नीचे नहीं जाती है उसको नीचे जाना है क्योंकि वो हाँ नीचे जाने के लिए जो ऊपर की मिट्टी है उसको हटाना पड़ता है तो आप सुबह चार बजे उठकर ये नहीं सोचे कि ये मैं क्या करूँ कैसे करूँ आपको जो करना है सारा दिन सपोज यू वॉन्ट से टूडे होल डे आई विल बी वेरी पीसफुल इंस्टेड ऑफ डोंट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड थिंक व्हाई गेट एंग्री आई शुड नॉट गेट एंग्री वो वो बीच चला जाएगा अंदर जो सोचेंगे वो बीच hey, अंदर चला हाँ मेरे से होता ही नहीं मैं कितना ट्राई करता हूँ ये कितना ऐसा नहीं क्रिएट वन पावरफुल बीच एक श्रेष्ठ बीच लेना है आई एम अ पीसफुल सोल I will uh, try this tomorrow morning and come back to you again. Sure. Hey, I am a peaceful soul. Thank you, sister. Thank you. Om Shanti. The soul is always creating thoughts. Whether a soul leaves the body or a soul is in the womb of the mother or if a person is in coma, the soul still creates thoughts and also receives our thoughts but cannot express. When a soul leaves the body, the family left behind should create thoughts of love, not pain. Thoughts such as, We cannot live without you. How could you leave us? These thoughts will only cause pain to that soul. When a soul is in the womb, create thoughts of love and happiness. Thoughts such as, Will it be a boy or a girl? Do we have the resources to look after the baby? These thoughts of anxiety are not welcoming energy. The information we take in is the most powerful influence on the thoughts we create. Early morning newspaper has a deep impact. Begin the day with 15 minutes of powerful positive information if you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest raj yoga meditation center write to us at Motion.